जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार सुबह कमिश्नर ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी महेंद्र कुमार मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाबू अतिरिक्त कमिश्नर के पास पदस्थ था। रिश्वतखोर बाबू ने एक मकान को लेकर SDM कोर्ट में लगे स्टे को हटवाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ। अभिषेक कुमार पाठक की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की। हमारे फरियादी हैं अभिषेक पाठक। इनके भाई श्री अजय पाठक की पत्नी के नाम चौकीताल भड़पुड़ा में मकान है, जिसका अवैध अतिक्रमण के संबंध में ये SDM कोर्ट में केस लगाया था, जिसकी अपील स्टे के लिए माननीय श्री अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के यहाँ लगी थी। स्टे के लिए ये जब अपने वहाँ पदस्थ महेंद्र मिश्रा सहायक ग्रेड 3 से मिले तो इनके द्वारा स्टे दिलाने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। कितने की मांग किए थे? 25,000 की। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पलसौड़ी के सरकारी स्कूल में 24/7/2023 की रात्रि हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, पलसौड़ी में सरकारी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हिमेश खराड़ी, दीपक डोडिया, रोहित निमाम, पवन को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वहीं चोरी में उपयोग की गई एक बोलेरो पिकअप भी जब्त की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ इसके जो और जो कंप्यूटर के जो एक्सेसरीज होती हैं वो एक प्रिंटर भी था उसमें और 4 UPS बैटरियां कुल अन्य एक्सेसरीज सहित वो चोरी चली गई थी। इसका कुल मसूका करीबन 5 लाख से ऊपर था। ये चोरी डिटेक्ट हो गई है और इसमें हर्ष का विषय है कि कुछ समस्तपुर जो GD नगर थाने में ये वृद्ध महिला का जो मर्डर हुआ था जिस टीम ने वो डिटेक्ट किया था उसी ने ये करना का